हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि केमिस्ट्री सेमेस्टर वन सेशन 2022-26 वालों का जो सिलेबस न्यू सिलेबस आया स्टूडेंट्स, आप सभी को जो पढ़ना है मेजर केमिस्ट्री में उसके बारे में बताने वाले स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सिलेबस आ गया है और सिलेबस वाला PDF है और मेजर कोर वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिया हुआ स्टूडेंट्स, सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन जो कॉलेज के अंदर में होता है, अपने ही कॉलेज में होता है। और इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि जो सेमेस्टर के इंड में दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ता है और एडमिट कार्ड लेके जाके देना होता है। तो दो टाइप का यहाँ एग्ज़ाम के बारे में हो रहा है बात स्टूडेंट्स। तो इसके लिए यहाँ जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ आ जाएगा ये सिलेबस भी और ए वाला भी, ठीक है। बट जो हिंदी वाले हैं स्टूडेंट्स उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम हिंदी वालों के लिए एक विशेष व्यवस्था किए हैं स्टूडेंट्स। तो हिंदी वाले PDF में चलते हैं फाइनली आगे स्टूडेंट्स। तो ये हिंदी वाला PDF हम अपने खुद से बनाया स्टूडेंट्स, उसी को ट्रांसलेट करके। तो यहाँ देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, VBUG सेमेस्टर वन केमिस्ट्री मेजर न्यू FUGP सिलेबस 4 साल वाला जो हुआ है उसकी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बना हुआ है। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, सेमेस्टर के आंतरिक परीक्षा के लिए प्रश्न सेट करने का निर्देश 10+5=15 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा कॉलेज में जाके लिखने से। यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम जब होगा आपको कॉपी में लिख के जाके जमा करना पड़ेगा या फिर वहीं पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा अपने ही कॉलेज में। और 5 अंक जो मिलेंगे स्टूडेंट्स इंटरनल में, वो आपके व्यवहार जो जिस प्रकार का व्यवहार रखते हैं अपने शिक्षकों से या फिर कुछ विशेष चीज़ों में भाग लेते हैं तो उसके आधार पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि इंटरनल आपको इंटरनल एग्ज़ाम का 15 नंबर दिए जाएंगे। सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा में 2 घटक होंगे, 15 अंकों की एक सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा होगी और कक्षा उपस्थिति स्कोर। तो आंतरिक परीक्षा जो होगी स्टूडेंट्स उसी का 10 नंबर मिलेंगे और कक्षा उपस्थिति स्कोर यानी कि जो कक्षा में उपस्थिति किस प्रकार की रहेगी, 5 अंकों के कॉलेज के शिक्षकों और अन्य छात्रों के प्रति छात्र का व्यवहार शामिल है, छात्र का व्यवहार शामिल है जैसे कि अभी हम बताएं स्टूडेंट्स। और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा जो होगी अंत में वो आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाके सेंटर वाइज में जाके देना है तो उसके बारे में आए। 60 अंक का होगा स्टूडेंट्स, प्रश्नों के दो समूह होंगे ए और बी, ठीक है। दो समूह होंगे, ग्रुप ए में 3 प्रश्न होंगे, ग्रुप ए जो है स्टूडेंट्स इसमें 3 प्रश्न होंगे, 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स और जिसमें प्रत्येक 1 अंक के प्रश्न संख्या 1 बहुत ही संक्षिप्त उत्तर प्रकार का होगा। जो प्रश्न संख्या 1 होगा स्टूडेंट्स वो बहुत ही संक्षिप्त यानी कि अति लघु उत्तरीय कह सकते हैं, वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। यानी कि जो ग्रुप ए बताया स्टूडेंट्स इसका जो 1 होगा इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दूसरा और तीसरा के बारे में बाद में बात होगी, पहले यहाँ 5 क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और प्रत्येक 1-1 अंक का होगा और 5 अंकों का होगा जो बनाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 और 3 प्रत्येक के 5 अंकों के संक्षिप्त उत्तर प्रकार के होंगे। यानी कि जो ग्रुप ए का दूसरा और तीसरा है स्टूडेंट्स ये 5-5 अंकों के होंगे यानी 10 अंकों के होंगे दोनों और संक्षिप्त उत्तर प्रकार के होंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उत्तर लिखना है इसमें। समूह बी यानी कि ए तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, अब बी है। बी में 15 अंकों के वर्णनात्मक प्रकार के 5 प्रश्न होंगे, 2, 3, 4, 5 5 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है, बी में। और जिनमें से किन्हीं 3 का उत्तर दिया जाना है, मतलब 3 ठो का ही उत्तर देना है आपको, 5 ठो दिए जाएंगे बट 3 ही ठो का उत्तर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं सिलेबस की ओर, ये हम लोग का सिलेबस है स्टूडेंट्स और नीचे में दिया हुआ पाठ्यक्रम सामग्री, ये वाला सिलेबस है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये वाला जो है सो आपका बताता है कि क्या क्या पढ़ना है एक तरह से।
अकार्बनिक रसायन सिद्धांत प्रथम व्याख्यान पाठ्यक्रम उद्देश्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये बोले थे जैसे कि थंबनेल में देखेंगे योग्यता या फिर परिणाम, इसको पढ़ने से आपका क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट्स परमाणु सिद्धांत और उसका विकास के बारे में जानेंगे, परमाणुओं का वैज्ञानिक सिद्धांत सीखना, तरंग कार्य की अवधारणा ये जानेंगे, आवर्त सारणी में तत्व जानेंगे, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का आवधिकता के बारे में जानेंगे, स्वीकृत मॉडलों के आधार पर परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन और आणविक ज्यामिति की भविष्यवाणी करना ये जान लेंगे, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को समझने के लिए परमाणु की संरचना को समझेंगे, दिए गए तत्व की पहचान, सापेक्ष आकार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रवेश और विभिन्न परमाणु बनाने के लिए उनका संयोजन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन को परिभाषित कर पाएंगे, उसके बाद आयनिक आकार, आवेश आदि के अनुसार विभिन्न समूहों और आवर्तों में तत्वों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं और आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में जानेंगे, परमाणुओं, अणुओं, अन्योन्य क्रियाओं और ऊर्जावानों के बीच संबंध की विशेषताएँ क्या हैं वो जानेंगे, फिर संकरण और परमाणु, आणविक कक्षाओं, बंधन मापदंडों, बंधन दूरी और ऊर्जाओं के आकार के बारे में जानेंगे, संयोजकता बंधन सिद्धांत, संकरण की अवधारणा, अणुओं की ज्यामिति भविष्यवाणी ये करना जान जाएंगे। इसके साथ ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग का महत्व के बारे में सीखेंगे, इतना कुछ आप सीखेंगे स्टूडेंट्स। अब सिलेबस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पाठ्यक्रम सामग्री यानी कि आपका सिलेबस जो क्या क्या सिलेबस में है वो, ठीक है, तो यहाँ आपको परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है, सेकंड में तत्वों की आवर्तता, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोहर का सिद्धांत, इसकी सीमाएं और हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके साथ ही आपको बोहर का सिद्धांत तो हो गया, इसकी सीमाएं और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु स्पेक्ट्रम, वेव मैकेनिक्स का बारे में, ड्री ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसका महत्व, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण और उनका महत्व, क्वांटम संख्याएं और उनका महत्व, सामान्यीकृत और ऑर्थोगोनल तरंग कार्यों का संकेत, रेडियल और कोणीय तरंग हाइड्रोजन परमाणु के लिए कार्य करते हैं उसके बारे में, रेडियल और कोणीय वितरण वक्र, एसपीडी और एफ ऑर्बिटल्स के आकार, समोच्च सीमा और संभाव्यता आरेख, पावली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ऑफ बाउ का सिद्धांत और इसकी सीमाएं, परमाणु क्रमांक के साथ कक्षीय ऊर्जा का परिवर्तन, ये आपको मॉड्यूल वन में पढ़ना स्टूडेंट्स। फिर मॉड्यूल टू में आपको पढ़ना होगा तत्वों की आवर्तता, ठीक है, तत्वों की आवर्तता, आवर्त सारणी का लंबा रूप, एसपीडी और एफ ब्लॉक तत्व, एस और पी ब्लॉक के संदर्भ में तत्वों के निम्नलिखित गुणों की विस्तृत चर्चा करना है, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश परीक्षण प्रभाव, ऑसिलेटर नियम, आवर्त सारणी में प्रभावी नाभिकीय आवेश में परिवर्तन, परमाणु त्रिज्या, वैन डेर वाल्स, सी में आयनिक और क्रिस्टल, डी में संयोजक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी तथा आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनीकरण एंथैल्पी के अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोनोगेटिविटी, पॉलिंग मुलिकन और एलेड रोचो स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिव और बॉन्ड्स का ध्रुवीकरण। मॉड्यूल थ्री में स्टूडेंट्स रासायनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है जिसमें लोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक यौगिकों की सामान्य विशेषताएं, त्रिज्या अनुपात नियम और इसकी सीमाएं, क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग, बॉन्ड लैंडे समीकरण, जाली ऊर्जा के अभिव्यक्ति, मेंडेलुंग का स्थिरांक, बॉर्न हैवर चक्र और इसके अनुप्रयोग, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, और सहसंयोजक बंधन, लुईस संरचना, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रतिकर्षण के सिद्धांत, सरल अणुओं और आयनों के आकार, एकाधिक बंधन, सिग्मा और पाई बॉन्ड दृष्टिकोण, बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत, हिटलर लंदन दृष्टिकोण, हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एसपी और एसपीडी परमाणु ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के आकार, बेंट रूल, रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शामिल हैं, ठीक है,
सरल होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक अणुओं के आणविक कक्षीय आरेख N2O2 C2 B2 F2 CO NO और उनके आयन आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक चरित्र ध्रुवीकरण शक्ति और ध्रुवीकरण फजान नियम ठीक है। और सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक चरित्र बंधन क्षण और द्विध्रुवीय क्षण, द्विध्रुवीय क्षण से आयनिक चरित्र और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में पढ़ना है। धातु बंधन, धातुओं के बीच बंधन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का गुणात्मक विचार, आणविक कक्षीय सिद्धांत और बेंड सिद्धांत और कंडक्टर अर्धचालक और इंसुलेटर की व्याख्या उदाहरण के साथ। और चौथा में यहाँ पढ़ना है कमजोर रासायनिक बल, वैन डेर वाल्स बल, आयन द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय और ध्रुवीय आयन द्विध्रुवीय प्रेरित द्विध्रुव अंतः क्रियाएं, लेनार्ड जोन्स क्षमता, हाइड्रोजन बंधन और गलनांक, क्वथनांक और यौगिकों की घुलनशीलता पर इसके प्रभाव, इसके बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स। और यहाँ लास्ट पढ़ना स्टूडेंट्स अकार्बनिक पॉलीमर, ठीक है, इसके परिचय के बारे में, अकार्बनिक जो पॉलीमर है उसके परिचय के बारे में, अकार्बनिक पॉलीमर के प्रकार, कार्बनिक पॉलीमर के साथ तुलना, संश्लेषण, संरचनात्मक पहलू और सिलिकॉन और सिलोक्सेन, बोराजिन और सिलिकेट्स के अनुप्रयोग, इन सारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बुक्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से बुक आपको लेने चाहिए। ये हमने स्टूडेंट से रिव्यू यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पहला दिया है ली जे डी संक्षिप्त कार्बनिक रसायन विज्ञान विलय 5वां संस्करण, फिर इंद्रजीत कुमार और आशीष कुमार साहा स्नातक रसायन विज्ञान प्रगति प्रकाशन मेरठ, ये हमको कुछ अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको अभी आप ले सकते हैं, ठीक है। डगलस बी ई मेके डेनियल डी एच अलेक्जेंडर जे जे कार्बनिक रसायन विज्ञान की अवधारणाएं और मॉडल, तीसरा संस्करण है जॉन विले एंड सन्स का, ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। फिर चौथा स्टूडेंट्स एट्रिक्स एटकिंस पी डब्ल्यू और डी पावला जे फिजिकल केमिस्ट्री 10वां संस्करण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का, तो इसको भी आप ले सकते हैं। फिर है स्टूडेंट्स पांचवा है रोजर जी इन ऑर्गेनिक एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री सेंगेज लर्निंग 2022, तो इसको 2002 इसको भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर है डगलस बी मेक डेनियल डी एच और अलेक्जेंडर जे जे कार्बनिक रसायन विज्ञान की उदाहरण है और मॉडल, थर्ड ये जॉन विले सन्स का, इसका भी मिल रहा है। फिर रोजर जी इन ऑर्गेनिक एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री सेगेंज लर्निंग इंडिया एडिशन 2002, इसको भी ले सकते हैं। मिशलर जी एल और डोनाल्ड एटेर अकार्बनिक रसायन शास्त्र 4वां संस्करण, पियर्सन डॉक्टर एस के अग्रवाल और डॉक्टर कीमतीलाल उन्नत अकार्बनिक रसायन शास्त्र प्रगति प्रकाशन मेरठ। तो स्टूडेंट्स इसमें इतना सारा बुक तो आप ले नहीं पाओगे, इसलिए एक सजेशन है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए कि आपका कॉलेज में अगर लाइब्रेरी है तो उसमें आप अवश्य पढ़िए, ठीक है। ये इतने सारा अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम बनाते रहते हैं उससे आपका हेल्प होता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।